एवरीवन, वेलकम टू आवर इवनिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पोजीशन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। तो देखो, हमारी बॉडी में डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं वो कहाँ सिचुएटेड होते हैं, हार्ट की पोजीशन जो है आपकी, जो दो आपके फर्स्ट एंड सेकेंड लंग, लेफ्ट लंग के बिल्कुल साथ में प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये लेफ्ट साइड को होता है, इसलिए हमारे जो लेफ्ट लंग का साइज होता है वो थोड़ा सा कम होता है एज कंपेरिजन टू राइट लंग। तो जहाँ पे जो पोजीशन हार्ट की होती है उसको हम कार्डिक नॉच बोलते हैं स्टूडेंट। कार्डिक नॉच में हार्ट जो है वो सिचुएटेड होता है। सेकेंड, अगर मैं बात करूँ फंक्शन ऑफ हार्ट, तो ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है, पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट को हम स्टूडेंट मायोजेनिक ऑर्गन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोजेनिक ऑर्गन बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, क्योंकि ये इसके जो मसल्स हैं खुद कंट्रोल होती है, ब्रेन की कमांड की ज़रूरत इसको नहीं होती है, ठीक है। इसकी मसल जो है वो, आपको पता है, इसमें एसए नोड, एवी नोड होते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं, जो कि जनरेशन ऑफ इम्पल्स करते हैं, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो अपनी पंपिंग करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, ब्लड को मूव करता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हो सेंटर में, ठीक है, पोजीशन देख रहे हो यहाँ पे, ये जो ऑर्गन है, ठीक है, ये जो ऑर्गन है दैट इज लीवर। तो लीवर आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? जो ये यहाँ पे डायफ्राम होता है, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है, उसके नीचे होता है, और आपके जो ये पार्ट है इंटेस्टाइन का, जहाँ से शुरू होता है, उसके बिल्कुल साथ में, स्टमक के बिल्कुल सामने होता है। आपको पता है लीवर हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि देखो, जो भी खाना हम खाते हैं वो किस में चेंज होता है? ग्लूकोज में। कुछ भी हम खाएंगे, चाहे हम चिप्स खा रहे हैं, चाहे हम चावल खा रहे हैं, चाहे हम कोई मटन चिकन खा रहे हैं, या फिर कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है, वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज में। और ये ग्लूकोज फिर ब्लड से होता हुआ हमारी हर एक बॉडी की सेल्स तक जाएगा, और वहाँ पे उसको प्रोवाइड करेगा क्या? एनर्जी। कुछ भी हम काम कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारी एनर्जी जहाँ पे यूज़ हो रही है वो ग्लूकोज वहाँ पे एनर्जी देगा, जब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, राइट। अब क्या होता है, अगर जितना फूड खाने के बाद जितना ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ उसमें से कुछ ग्लूकोज अगर रह जाता है, वो फिर ग्लाइकोजन की, स्टूडेंट ग्लूकोज किसकी फॉर्म में स्टोर होगा लीवर में? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होगा लीवर में। तो लीवर का क्या मेन फंक्शन है? कि वो स्टोर करता है किसको? ग्लाइकोजन को। और जब फर्दर हमें ज़रूरत पड़ती है ग्लूकोज की, तो इस ग्लाइकोजन को फिर से कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। सेकेंड फंक्शन अगर मैं इम्पॉर्टेंट बात करूँ, तो लीवर आपका क्या सिक्रीट करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, बाइल जूस। बाइल जूस ये एक्सक्रीशन है, जो क्या होती है, लीवर से एक्सक्रीट होगी और स्टोर कहाँ जाके हो जाएगी? गॉल ब्लैडर में। लीवर के ऊपर यहाँ छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं, पित्त बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इसमें मोस्टली कुछ लोगों को स्टोन प्रॉब्लम्स भी होती हैं, तो यहाँ पे जाके बाइल जो है वो स्टोर हो जाता है, और बाइल फिर यहाँ से इस पाइप से होता हुआ, ठीक है, या तो इस पाइप से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ पोर्शन, और कुछ पोर्शन आपका स्टमक में स्क्रीट होता है। अब ये जो बाइल है, इसका क्या काम है? बाइल जूस का फंक्शन, यहाँ से भी क्वेश्चन रहता है, ये क्या करता है? जो फैट्स हम खाते हैं, ठीक है, ऑयली चीज़ें जो खाएंगे उनको हम फैट्स बोलते हैं, ये फैट्स की इमल्सिफिकेशन में, स्टूडेंट आपने याद रखना है, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब डाइजेशन ऑफ फैट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है कि फैट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल है उसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ना, इसको हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। कौन करता है इमल्सिफिकेशन? बाइल। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टमक की। तो ये स्टमक का आधा कट पोर्शन है यहाँ पे बताया हुआ, ये पूरा यहाँ तक होता है इस तरीके से। स्टमक की अगर हम बात करें, तो स्टमक में क्या होता है? आपका एसिड सीक्रेट होता है, जो कि है आपका HCL, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। अब हमारे, मान लो ये स्टमक है, ये स्टमक जो है इसमें क्या सीक्रेट हो रहा है? HCL सीक्रेट हो रहा है। तो HCL तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर हमारा स्टमक बच कैसे जाता है?
तो स्टमक की इनर वॉल पे म्यूकस की लाइनिंग होती है स्टूडेंट। क्या होता है? म्यूकस की लाइनिंग होती है जो प्रोटेक्ट करती है इस HCL से हमारे स्टमक को। ठीक है, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा अलग क्वेश्चंस भी, MCQs भी, और उसमें हमने डिटेल कर ली है। अगर आपको डिटेल्ड क्वेश्चन देखने हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो एरिया है ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया है, और यहाँ पे स्टूडेंट आप अगर देखोगे जो मैं बात करती हूँ आपके वेस्टिजियल ऑर्गन, छोटा सा आपको ऑर्गन दिख रहा है, दैट इज़ योर अपेंडिक्स। अपेंडिक्स आपने सुना होगा, अपेंडिक्स क्या होता है? हमारी बॉडी का वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं जिनका अब हमारी बॉडी में कोई रोल नहीं था, और जब पुराना टाइम था, एनिशियंट टाइम था, जब हमारे जो पूर्वज होते थे उनमें ये वर्किंग था, उनमें काम करता था। ये क्या काम करता था? जो स्टार्च है उसकी डाइजेशन करता था। स्टार्च ज़्यादा खाते थे उस टाइम, क्योंकि प्लांट प्रोडक्ट कच्ची चीज़ें ज़्यादा खाते थे जिसमें स्टार्च होता था, जिसको डाइजेस्ट करना पड़ता था बॉडी को, तो ये अपेंडिक्स उस टाइम काम करता था। बट अब क्या है, हम जो है कुक्ड फूड खाते हैं तो इसका रोल इतना नहीं है। ठीक है, और इसके बाद आप देख सकते हो जो ये आपके गिर्डल्स होते हैं, ये बोन का एरिया जो है, ठीक है, ये भी गिर्डल होते हैं, इनको गिर्डल्स बोलते हैं, जो यहाँ पे जिससे हमारे बाजुएं और ये जो लेग वाला रीजन है ये कनेक्टेड होता है, राइट। और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो है यहाँ सेंटर में पैक्ड होती है। आपको पता है लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल है, जो कि 7.5 मीटर होता है, सबसे लंबा होता है, वो यहाँ पे सिचुएटेड होता है, और यही पार्ट है जहाँ पे खाना जो है कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है। इसके बाद वो है ब्लड में, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड में जाएगा। ठीक है, कम्प्लीट डाइजेशन यहाँ पे होती है। अगर हम थायराइड ग्लैंड की बात करें तो यहाँ पे प्रेजेंट होती है थायराइड ग्लैंड, ठीक है, और अगर एड्रीनल ग्लैंड, मैं किडनी की पोजिशन आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे ये आपका दूसरी साइड से बॉडी का व्यू है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लंग्स यहाँ हैं, तो बिल्कुल किडनी कहाँ है? हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, उसके बिल्कुल साथ में है, पीछे वाली साइड को होती है। और किडनी का क्या रोल रहता है? ये फिल्टर करता है किसको? ब्लड को। ब्लड फिल्टर करती है और जो इम्प्योरिटीज होती है उसको यूरिन में पास कर देती है, और यूरिन के थ्रू वो बॉडी से बाहर आ जाती है। ठीक है, बिल्कुल साथ में। ये ऑर्गन देखो किस तरीके से सारे पैक्ड होते हैं, है ना, सारे ऑर्गन जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपको और डिटेल बताऊँ, देखो यहाँ पे लीवर की पोजीशन के लिए ये डायग्राम जो है आपको हेल्प करेगा। ये जो यहाँ पे बोन्स हमारे जो ये, इनको हम रिब्स बोलते हैं, जो ये लगी हैं, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर को हम रिब केज बोलते हैं, और ये जो पूरा ऊपर से इसमें बोन्स अटैच्ड है इसको हम रिब्स बोलते हैं। रिब्स के नीचे देखो ये जो आपका ब्लूइश कलर का है, ठीक है, स्काई ब्लू कलर का, ये आपको क्या है? लीवर है, और इसकी दो लोब्स आप देख रहे होंगे, दो पार्ट देख रहे होंगे यहाँ पे, देखो इस तरीके से इसके वन पार्ट और ये इसका दूसरा। तो लीवर में दो लोब्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। और ये देखो स्टमक, और स्टमक से फिर क्या आपकी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, और देखो अपेंडिक्स है, ठीक है। ये सारे बॉडी ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट है। ये देखो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी आता है कि रिब्स जो हैं वो आगे से, ठीक है, अगले पोर्शन से एक बोन से अटैच होते हैं। ये बोन आपको दिख रही होगी स्टूडेंट, इसका नाम है स्टर्नम। याद रखना आपको कि इसका नाम क्या है? स्टर्नम। रिब्स जो है वो अपनी इंटीरियर पोजीशन से किससे अटैच होती है? स्टर्नम बोन से, और बैकवर्ड पीछे जाके किससे होती है? आपकी जो बैकबोन है, आपकी रीढ़ की हड्डी है, उससे अटैच्ड होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये आप पोजीशन अपने बॉडी में इनकी देख सकते हो। आपको पता होनी चाहिए, जनरली भी एक इंसान को पता होनी चाहिए कि कौन कौन सा ऑर्गन कहाँ पे सिचुएटेड होता है, मेन क्या फंक्शन होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।